Hello aspirants, I'm Ritesh Shukla and this is 120 plus mains discussion. I've been discussing full paper discussion and this is the fourth part of the video. In all these videos what we are doing is we are presenting answer structure to the mains questions, and all these questions that we are taking up could be probable questions. The content which we are providing could be helpful to you in your answer writing when you are going for the mains examination. Also, we are telling you where you should write certain statements, where you shouldn't write statements, where you should present diagrams, statistics or graphs, where you shouldn't do that, और जहां पर भी statements आपको produce करना भी है तो वो statements किस प्रकार के होने चाहिए, उसमें proposition होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर जो statement होगा उसकी जो weightage है वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपको at the end of the day आपको marks ज्यादा gain करने हैं rather than अपने perspectives को वहां present करना, क्योंकि you would be having a lot of perspective in your mind, but because the question is of certain type you may not be able to put all the perspectives in a लाइन इन अ सीक्वेंस लाइन. ऑल राइट, तो उस सीक्वेंसिंग को प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो जो आंसर स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल दिखाई देता है, इंट्रो, इंट्रोडक्शन, बॉडी या फिर कंक्लूजन का, तो उस पर आपको ये समझ में आता है कि एक सर्टन क्वेश्चन है तो उसको लिमिट कैसे करेंगे, जो भी हमारे दिमाग में आंसर होता है या पर्सपेक्टिव होता है क्वेश्चन को लेके. ठीक है, तो दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड वी हैव सक्सेसफुली अपलोडेड जीएस 1 एंड 2 वीडियोज, एंड दिस इज द फुल पेपर डिस्कशन, दिस इज द फोर्थ पार्ट. The three videos will be coming for full paper discussion, and the video session for GS3 will be winded up. So I will be continuing with the video, and the first question that I am going to take will be from from internal security. All right. Recent breakthrough with the largest armed group, although is a landmark agreement in securing peace in northeastern region, but it is not going to curb all the challenges there. Discuss those challenges in peace agreements with such insurgency groups and threats to internal security thereof. So, ये जो question है वो जो भी peace agreement अभी peace agreement north eastern states में जो भी हुए हैं government और insurgent groups के बीच में, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, और उसको लेके ओवरऑल जो चैलेंजेस गवर्नमेंट फेस करती है ऐसे रीजन में, वहां पर आखिरकार कितना ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा उसके बारे में हमें बताना है. इन चैलेंजेस को भी ये समझना है कि पीस अग्रीमेंट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये चैलेंजेस क्या खत्म होंगे या नहीं खत्म होंगे, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑल राइट, तो जो पीस अग्रीमेंट गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंसर्जेंट ग्रुप के बीच में, वो सबसे ही डेंजरस इंसर्जेंट ग्रुप जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का है वो है NSCN, और ये NSCN जो है यही एकमात्र ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जो कि एक सेपरेट स्टेट का हमेशा से डिमांड करते रहा है. ये कभी भी अपने सेपरेट स्टेट को डिमांड को डिनाई नहीं करता, और हमेशा से ये जो भी रीजनल गवर्नमेंट है या फिर रीजनल स्टेट पुलिस है या फिर एफ्सपा है, उन पे कंटिन्यूअस अटैक्स टाइम टू टाइम करते रहता है. तो ये जो है काफी डेंजरस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसको टेम कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने NSCN के साथ में अग्रीमेंट कर लिया है, पीस अग्रीमेंट कर लिया है, और उससे ये बताना वो चाह रहे हैं कि उनकी ज्यादातर डिमांड जो कि खास करके नागालैंड को लेके, नागालैंड जैसा एक बड़ा क्षेत्र उनको चाहिए, वो जो है उनका डिमांड था, उन सारे डिमांड्स के कुछ पर्सपेक्टिव्स, कुछ फंक्शंस को, कुछ फीचर्स को वो गवर्नमेंट जो है मानकर, और उनको जो है आगे कुछ नए प्रोग्राम्स बनाकर और उनको जो है आगे पढ़ने के लिए कह रही है. वही पीस अग्रीमेंट जो है NSCN और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हुई है. जो NSCN है वो भी जो है दो हैं, एक तो NSCN IM है और NSCN K है. जो NSCN K है दैट इज द मोस्ट एक्सट्रीम ग्रुप ऑफ द टू, क्योंकि NSCN K ही जो है वो सबसे पहला ग्रुप था जिससे कि ये जो है काफी टेरर एक्टिविटी क्रिएट करते थे स्टेट गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, तो NSCN के साथ ये समझौता नहीं हुआ है, NSCN IM एक के साथ गवर्नमेंट का समझौता हुआ है, और इनसे ये अग्रीमेंट में ये आ गए हैं कि ये अपने सारे टेरर एक्टिविटीज खत्म करेंगे, और वहां पर जो स्टेट मशीनरी द्वारा जो भी रूल्स, लॉ एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए जाएंगे उसको ये अग्री करेंगे और उसे अबाइड करेंगे. तो ये जो है ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NSCN IM के बीच का पीस अग्रीमेंट है, इट इज नॉट विद द के. ठीक है, NSCN K के साथ ये अग्रीमेंट नहीं है.
तो मैं बता रहा था कि एनएससीएन के जो है उससे एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो अगर आप आसाम का पूरा क्षेत्र देखेंगे, आसाम ही सबसे सारे ही स्टेट से कनेक्टेड है, और अगर अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और फाइनली मेघालय, अगर ये ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को आप देखेंगे, तो जो नागालैंड का जो क्षेत्र है और इसके ज्यादातर क्षेत्र यहीं पर जो है एनएससीएन का ज्यादातर कंट्रोल रहा है, और एनएससीएन जो है यहीं पर ज्यादा एक्टिव रही है। और ओवरऑल जो मणिपुर से भी कुछ क्षेत्र होते हैं, या फिर मणिपुर के भी कुछ क्षेत्र, या फिर कुछ मिजोरम के क्षेत्र, या कुछ त्रिपुरा के क्षेत्र, वहां पर भी एनएससीएन के लोग मिलते हैं, लेकिन ये ज्यादातर डिमांड करते हैं कि आसाम का ज्यादा बड़ा हिस्सा, इनका कुछ बड़ा हिस्सा और अरुणाचल कुछ बड़ा हिस्सा इनके पोर्शन में आना चाहिए, जिसको ये नागालैंड कहते हैं या ग्रेटर नागालैंड कहते हैं। तो ये जो है ओवरऑल नागालैंड के पोर्शन को अपने इंडिया से अलग करके, पहले के डिमांड में इंडिया से अलग करके था, लेकिन अब जो है उनके डिमांड में थोड़ी चेंजेस आए, जो कि आईएम जो है उनसे अलग हो गया था, तो उसके बाद से इनके डिमांड में ये चेंजेस आ गए कि ये जो है ये कहते हैं कि हमें एटलीस्ट एक बड़ा स्टेट चाहिए विद इन इंडिया। तो ये जो है उनका एक स्पेसिफिक डिमांड था जो कि चेंज हुआ, और उसमें भी के जो कि खापलांग के नाम से जाना जाता है, इसमें इनका ही सबसे बड़ा हाथ है कि नागालैंड जैसा सेपरेट स्टेट हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द एक्सट्रीम ग्रुप टू विच गवर्नमेंट हैज नॉट कम इन विथ पीस अकॉर्ड। ठीक है, तो हम जो है यहाँ से आंसर शुरू करेंगे, और ओवरऑल जो इसका ओवरऑल पर्सपेक्टिव है कि आखिरकार जो पीस अग्रीमेंट है उससे कैसे जो है थोड़ा सा इसमें हेल्प मिल पाएगा, वी विल सी टू दैट। ऑल राइट, तो एनएससीएन आईएम एंड एनएससीएन के एंड अदर इंसर्जेंट ग्रुप्स आर एक्टिव इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द एरिया। दिस रीजन इज वल्नरेबल टू सच एक्टिविटीज सिंस इंडिपेंडेंस एंड सो फॉर इट हैज ऑल्सो रिमेन्ड अ मेजर प्रॉब्लम फॉर गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग इट्स सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन आर ऑल्सो सफरिंग अलॉट बिकॉज ऑफ दिस। दिस रीजन हैज बीन मोस्टली कंट्रोल्ड बाई मिलिटरी एक्शन, येट इनिशिएटिंग पीस टॉक्स विद सच एंड सच ग्रुप इज डेफिनेटली अ लैंडमार्क स्टेप इन सिक्योरिंग पीस देयर। तो आखिरकार जो यहाँ पर बॉर्डर पेट्रोल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी लगी रहती है कई बार आसाम, क्योंकि आसाम से सारे ही स्टेट्स का ऑलमोस्ट डिसेंशन है, तो इन सारे बॉर्डर एरियाज में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी होती है, कभी सेंट्रल फोर्सेस को भी वहां लगाना पड़ता है। तो ये जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं उन पर भी इनका कंटिन्यूअस अटैक होते रहता है। तो दैट इज वाई दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स आर क्वाइट डेंजरस एज फार एज द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज कंसर्न। इसकी वजह से अगर देखा जाए तो एनएससीएन आईएम के साथ जो पीस अकॉर्ड हुआ है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट हैज बीन डन, और उससे जो है थोड़ा तो जो प्रॉब्लम है वो कम हो पाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो लोकल पीपल हैं वो इन एनएससीएन या फिर इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको काफी रिस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन अगर वही ग्रुप गवर्नमेंट के साथ अगर संधि कर लेती है या समझौता कर लेती है, देन डेफिनेटली लोकल पीपल विल ऑल्सो बी हैविंग सम काइंड ऑफ बिलीफ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल राइट, सो दिस इज थिंग दैट विल बी इरेडिकेटिंग द चैलेंज। द चैलेंज जो है उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। ठीक है, डिस्पाइट कंसिडरिंग रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके, डिस्पाइट कंसिडरिंग दिस अग्रीमेंट एज अ लैंडमार्क, देयर रिमेन सम चैलेंजेस अनसॉल्व्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर फैक्टर इज दैट ओनली एनएससीएन आईएम हैज टेकन पार्ट इन पीस अग्रीमेंट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अनदर मेजर फैक्शन ऑफ एनएससीएन के व्हिच इज हॉस्टाइल टू डिसीजन एंड अदर स्मॉल इंसर्जेंसी ग्रुप हैज नॉट टेकन पार्ट इन दिस नेगोशिएशन, दे रिमेन्ड आउट ऑफ द पीस प्रोसेस, इनफैक्ट अपोज्ड एनएससीएन आईएम फॉर टेकिंग पार्ट इन इट। तो मैंने बताया कि एनएससीएन आईएम ही केवल इस पीस अग्रीमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में था, और एनसीएन के इनके इस अग्रीमेंट से अग्री भी नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इट इज मेयरली रिप्रेजेंटेशन दैट हैज बीन डन बाय एनसीएन एज एन इंसर्जेंट ग्रुप व्हिच विल शो द लोकल पीपल दैट दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स आर कमिंग इन द मेन फ्रेम एंड दे आर ड्रॉपिंग द मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द स्टेट। इससे जो है एक मैसेज जाता है लोकल लोगों को कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है वो अब खत्म हो रहे हैं, तो जो लोकल लोगों का अननेसेसरी जो बिलीफ एक क्रिएट हो जाता है स्टेट के अगेंस्ट में, दैट विल टेक अ सीट बैक। ठीक है, इट हैज डेवलप्ड फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म इन नॉन पार्टिसिपेटरी ग्रुप्स व्हिच कैन बी सीन इन एक्शंस ऑफ एनएससीएन के व्हेन दे ट्राइड टू शो देयर ऑपोजिशन कैपेबिलिटीज बाय अटैकिंग आर्मी पर्सनल। अब एनएससीएन के ने क्योंकि एग्रीमेंट वो माने ही नहीं थे, तो
तो इन्होंने जो है कई छोटे छोटे थाने थे जो आसाम में नागालैंड में थे उन पर जो है वो अटैक कर दिए थे। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे हैव शोन दैट दे डू नॉट अग्री विद द एनएससी एंड आईएम। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैसेज विच गोज टू द लोकल पीपल। सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंक्लूसिव पीस अग्रीमेंट एज मेनी ग्रुप्स आर स्टिल आउट ऑफ इट्स एम्बिट, फर्दर इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म इन नॉन पार्टिसिपेंट ग्रुप्स। गवर्नमेंट हैज केप्ट द अग्रीमेंट अ सीक्रेट, द प्रोविजन ऑफ अग्रीमेंट आर येट नॉट डिस्क्लोज्ड। अब जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने बताया कि इनका जो लार्जर डिमांड है एक ग्रेटर नागालैंड का विद इन द स्टेट ऑफ इंडिया, और वे भी डाइल्यूटेड तरीके से, वो जो है कुछ स्पेसिफिक पोर्शन आसाम के चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के चाहते हैं, मणिपुर के चाहते हैं, वो सारे एरिया को कंक्लूड करके ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने हो सकता है कि उनके साथ ऐसी कोई विशेष संधि लेटर पीरियड के लिए कर रखी है जो कि अभी तक तो वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वाई अब क्योंकि डिस्क्लोज नहीं हो पाएगी इनके बीच अग्रीमेंट क्या है, दी लोकल पीपल दी रिप्रेजेंटेशन वट एवर हैपन्स इन द इन दोज एरियाज ऑफ नागालैंड, वहां से जो भी इनका मैसेज जाता है वो ये होता है कि ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं दे आर गोइंग टू ड्रॉप ऑल द वेपन्स एंड दे आर गोइंग टू गो विद द स्टेट। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है कंस्ट्रक्टिव डायलॉग है इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नाउ There is no clarity on negotiations made by NSC and IM whether they are accepted or not, especially the demand of sovereignty and Nagalim or Greater Nagaland. अब क्योंकि अग्रीमेंट का जो फीचर्स है उसको डिस्क्लोज ही नहीं किया गया, तो पीपल मे नॉट बी नोइंग दैट कि ये नागालैंड वाले जो उनका डिमांड था उस पे वो अग्री किए हैं या नहीं अग्री किए। ठीक है, विच इंक्लूडेड टेरिटरीज ऑफ मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। इफ दिस हैज बीन कंसिडर्ड इट इज गोइंग टू क्रिएट मोर डिस्ट्रेस इन द रीजन। अब जो एनएससीएन आईएम है दे में गेट मोर एनएसएन के जो है वो ज्यादा वॉलेटिव हो सकता है, ज्यादा वॉयलेंट हो सकते हैं, लेकिन एनएसएन आईएम के अग्रीमेंट के वजह से जो ओवरऑल टेरर एक्टिविटीज हैं उसको थोड़ा सा रोक मिलेगा। ठीक है, और इवन एनएसएन के जो है इनका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि एनएसएन आईएम भी इनके साथ ही मिलके काम करता था। तो ओवरऑल जो चैलेंजेस नॉर्थ ईस्ट रीजन में है इंसर्जेंट ग्रुप्स को लेके वो थोड़ा सा कम हुआ है गवर्नमेंट के पीस अकॉर्ड के वजह से। ठीक है, देयरफॉर द नीड ऑफ द आवर इज इंक्लूडिंग ऑल ग्रुप्स इन पीस टॉक्स अलोंग विद द स्टेट्स व्हिच कैन बी अफेक्टेड, फर्दर प्रोवाइडिंग देम ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी टू टेक डिसीजंस अबाउट देयर लाइव्स विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। डिस्पाइट द चैलेंजेस दिस अग्रीमेंट कैन बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी एंड फर्दर स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव एंड कंक्लूसिव अग्रीमेंट्स। अब इसी एग्रीमेंट के थ्रू और भी जो रिसर्जेंट ग्रुप्स है जैसे कि बोडो है, उसके अलावा जो और भी ग्रुप्स हैं उनसे गवर्नमेंट जो है कैसे टैकल कर सकती है और कैसे उनको जो है एक मैसेज पहुंचा सकती है कि स्टेट इज गोइंग टू गिव देम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इफ दे ड्रॉप देयर आर्म्स। ठीक है, इस प्रकार की अगर चीजें गवर्नमेंट कन्वे कर पा रही है इंसर्जेंट ग्रुप को या फिर टेरर ग्रुप्स को, देन डेफिनेटली स्टेट वुड बी वेरी मच सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग ऑल दीज फॉर्मेट्स ऑफ टेरर एक्टिविटीज विच गोज ऑन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो दिस इज दी ओवरऑल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई विल बी गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। द क्वेश्चन इज हाउ डिड द नक्सल मूवमेंट केम इन टू एग्जिस्टेंस, वॉट आर द अग्रीमेंट्स दैट हैव बीन टेकन अप बाई गवर्नमेंट इन नक्सल एरियाज। ठीक है, तो अब नक्सलाइट्स जो है एग्जिस्टेंस में कैसे आ गए इसके बारे में बताना है, इसके बारे में भी बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। What are the agreements that have been taken up by the government in Naxal areas? अब Naxal areas में government ने क्या agreement किया हुआ है, क्या क्या जो है changes या फिर क्या initiatives उन्हें लिया होगा छोटे मोटे वो बताना होगा। ठीक है, तो Naxalites actually में Naxal वारी एक क्षेत्र है। These things you don't have to put out in the answer. All right, only a small briefing would be enough for making this answer. तो Naxalites जो है Naxal वारी एक क्षेत्र है West Bengal में, और यहाँ पर कुछ जमींदार जो है वो काफी ज्यादा हेक्टिक हो रहे थे और 1967 के अराउंड, और वहां पर जब वो काफी ज्यादा हावी होने लगे लोकल फार्मर्स के ऊपर, तो वो लोकल फार्मर्स जो है उन्होंने जो है वेपन्स उठा लिए थे, और वो वेपन्स उठाकर एक छोटे से जो क्षेत्र था वहां पर कई लोगों को डेथ कर दिया था। तो ये जो नक्सलबारी क्षेत्र है कहा जाता है कि यहीं से ही नक्सलाइट्स जो है नक्सलाइट्स ग्रुपिंग जो है यहीं से ही इवोक हुई है। लेकिन इससे पहले भी वेस्ट बंगाल का एक क्षेत्र है लालगढ़, वहां पर ऐसी स्मॉल एक्टिविटीज बहुत सारी हुई थी जिससे कि कहा जा सकता है कि नक्सलाइट्स एक्चुअली वेयर ऑलरेडी प्लानिंग समथिंग फ्रॉम द लालगढ़ इटसेल्फ। और बाद में हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में नक्सलबारी
कुछ ही सालों तक यहाँ पर बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहा नक्सलाइट से, लेकिन जो ज्यादातर अफेक्टेड रहा वो लालगढ़ रहा, और एक प्रकार से वो सेंट्रल स्टेज ले लिया था नक्सलाइट्स के अगर प्रेजेंट से देखा जाए तो ये जो लालगढ़ है उसको कहा जा सकता है कि द फर्स्ट एक्ट्स व्हिच एवर हैपेंड रिगार्डिंग द नक्सलाइट्स कुड हैव बीन फ्रॉम लालगढ़। बट ये भी बताया जाता है, हर जगह जगह पर ये डिनोट किया गया है, इवन एमएचए भी ये बताती है कि नक्सलबारी इज द प्लेस वेयर नक्सलाइट मूवमेंट हैड स्टार्टेड। ठीक है, अब ये वेस्ट बंगाल में ही हुआ, लेकिन फाइनली जो नक्सलाइट्स थे थ्रू आउट द कंट्री जगह जगह फैल गए, और वो ऐसे ही जगह पर फैले जहां पर पॉवर्टी काफी ज्यादा थी, जैसे कि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ये ऐसे क्षेत्र जहां पर पॉवर्टी काफी ज्यादा, पॉवर्टी रिडन डिस्ट्रिक्ट थे, और पॉवर्टी रिडन डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोग थे उनको एक प्रकार से उन्होंने मजबूर किया, और एक प्रकार से आइडियोलॉजी उनके दिमाग में ये डाल दिया गया कि जो जमींदार हैं दे आर कंप्लीटली अगेंस्ट पुअर और पुअर रिडन पीपल, और वो उनके अगेंस्ट कंप्लीटली चले गए, और ये जो पुअर रिडन पीपल थे वो जो है वेपन्स उठा के और किसी प्रकार से आर्टिलरी और इन सब का इस्तेमाल करके जितने भी जमींदार और बड़े बड़े सेठ थे उन सभी को वो खत्म करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिससे बैकग्राउंड बनता है नक्सलाइट्स का, कि नक्सलाइट्स जो है ओवरऑल जो ज्यादातर स्टेट्स है उसमें कैसे फैल गए। ठीक है, तो विल बी टेकन अप द आंसर फ्रॉम यू। व्हेन द नक्सल अपराइजिंग बिगैन इन 1967, द इंडियन गवर्नमेंट लुक्ड इट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इट डिड नॉट एनालाइज द कॉज ऑफ द मूवमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल। अब जो पहली बार यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका ये कहना था कि दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम विच इज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के ही हाथ में है और वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। बट ये जो आइडियोलॉग वाला प्रॉब्लम था दैट वाज अडॉप्टेड बाय मेनी पीपल इन अदर स्टेट्स आल्सो, और वो अलग अलग स्टेट्स में ये जो आइडियोलॉग अडॉप्ट किया गया, और जो डाउनट्रोडन थे वो जब वेपन्स उठा लिए थे तो ज्यादातर तो जो जमींदार थे या फिर जो हैवी जिनके पास पैसे अच्छे खासे होते थे, सेठ धन्ना सेठ होते थे, उन सारे लोगों को वो जगह जगह से खत्म करने लगे थे। दैट वॉज दी ओवरऑल मूवमेंट विच वॉज रिलेटेड टू नक्सलाइट्स। ठीक है, नक्सलाइट मूवमेंट केम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिवेलिंग सोशल इकोनॉमिक इश्यूज। इनफैक्ट व्हाइल कंडक्टिंग एन इंक्वायरी इनटू द अपराइजिंग द वेस्ट बंगाल स्टेट सेक्रेटेरिएट ऑफ द सीपीएम स्टेटेड बिहाइंड द पीजेंट अनरेस्ट नक्सलबारी लाइज अ डीप सोशल मेलेडी मेलाफाइड ट्रांसवर्स एविक्शंस एंड अदर एंटी पीपल एक्शंस ऑफ टी गार्डनर्स एंड जूटेदार्स। तो अब कई बार कहा जाता है कि सीपीआई इज द आइडियोलॉग विंग ऑफ द नक्सलाइट्स, और जो सीपीआईएम और एमएल जो है अलग अलग हो चुके हैं। तो जो सीपीआई थे उनका ये कहना था कि नॉट ओनली दी क्राइम दैट वाज डन इन द नक्सलबारी वाज ऑल राइट, उनका ये भी कहना था कि वो जो है डाउनट्रोडन पर जमींदार का जो हावी होना था उसको रोका जा रहा था, तो दैट वाज एक्चुअली अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द डाउनट्रोडन। तो इसकी वजह से ये जो है इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, नाउ ऑल द रीजन इन विच द नक्सल मूवमेंट टुक होल्ड आर वंस विद अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पॉवर्टी इन तेलंगाना इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ करीमनगर, आदिलाबाद, वारंगल, पॉवर्टी है वॉज 95%, वाइल द रेस्ट ऑफ द स्टेट इट वॉज बिटवीन 50% एंड 60%। तो अब जो बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी से जुड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट थे वहां पर ऑब्वियसली नक्सलाइट जो है वो काफी ज्यादा अपना बिल्टअप बना चुके थे। ठीक है, क्योंकि जो भी पॉवर्टी रिडन लोग हैं उनको जो है कुछ खाने को नहीं है या फिर नेसेसिटी की जो भी चीजें हैं वो उनका अवेलेबल नहीं थी, तो दे वेर कंप्लीटली गोइंग अगेंस्ट द स्टेट, दैट स्टेट इज अनेबल टू प्रोवाइड देम इवन गुड्स दैट वेर फॉर नेसेसिटी। ठीक है, जीने के लिए भी जो जरूरत होती थी वो भी स्टेट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, देन वो जो है काफी मजबूर हो गए थे। ठीक है, द नक्सलबारी अपसर्ज वाज स्पार्कल्ड बाय द फैक्ट दैट इन स्पाइट ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट बीइंग इन द पावर इन द स्टेट, लैंड रिफॉर्म्स वेयर स्टिल इनइफेक्चुअल। अब यूनाइटेड फ्रंट वाज द गवर्नमेंट व्हिच वाज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की ही कोलिशन थी यूनाइटेड फ्रंट, और कम्युनिस्ट पार्टी वाज प्लेइंग अ वेरी माइनर रोल देयर, और इनके द्वारा जो जो यूनाइटेड फ्रंट था वो सोशलिस्ट इन आइडियोलॉग था, लेकिन फिर भी जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे एज फार एज लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना था। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स जो है स्टेट में इन्वोक तो किए गए, लेकिन जिस प्रकार से उसको इन्वोक करना था, जमींदार के हाथों से जमीनों को हटाना और फिर जमींदार को उतना ही जमीन देना जितने उनका हक है, और बाकी जो पैसे जमीन से आते थे या फिर जो है इंटरेस्ट जो है जमींदार को मिलते थे उन सारी चीजों का जो ब्लॉक प्रेजेंट कर रहे थे थ्रू एक्ट्स उनको अच्छे तरीके से इफेक्ट में नहीं ला पाए, इसकी वजह से भी
जो नेक्स्ट स्लाइड्स थे दे वेर कंप्लीटली गोइंग अगेंस्ट दी स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो इट्स सस्टेनेंस वॉज फ्यूल्ड बाई क्लास एंड कास्ट टेंशन एंड द सेंस ऑफ डिस्परेशन ड्यू टू द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन. अब क्योंकि सोशल कंडीशन ऑलरेडी बेकार थे, लैंड रिफॉर्म्स जो है वो पूरी तरह से इफेक्ट में लाया नहीं जा रहा था गवर्नमेंट द्वारा, और गवर्नमेंट जो है वो पॉवर्टी पे पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी, तो इट वॉज एंगरिंग दी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु वेर इन इन द सर्टेन क्लास और डाउन ट्रॉडन क्लास. ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द एक्टिविटीज बाय द नेपालीज माओवाइस्ट डोंट अफेक्ट इंडिया, एसएसपी हैज बीन डिप्लॉयड अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर. दे हैव बीन गिवन अ मैसिव फंड ऑफ 444 करोड़ फॉर देयर मॉडर्नाइजेशन. सो यू कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर पार्ट. यू कैन ऑलरेडी से दैट मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस इज बीइंग डन एज फार एज दी बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया नेपाल इज कंसर्न. अब इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे क्या होता है कि जो भी आर्टिलरी होती है, जो वेपन्स होते हैं, वो हमेशा नेपाल के बॉर्डर से इंडिया में एंटर करता है, बिकॉज इंडिया नेपाल बॉर्डर इज ओपन. तो नेपाल से वो किसी प्रकार से स्मगल होकर इंडिया में आ जाता है, और इंडिया में ही ये जो वेपन है वो बाकी नक्सलाइट्स जो है प्रोवाइड कर लेते हैं एक दूसरे में, और वो जो है वहां से फैल जाता है. दैट इज वाई इंडिया नेपाल बॉर्डर पर जो है नेपालिस एसएसबी जो है वहां पर लगा दिया गया है, ताकि जो है जो भी बॉर्डर पे चेंजेस होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, उसको जो है चेक किया जा सके. ठीक है, नाउ व्हाट आर दी करंट स्टेटस इन द नक्सल अफेक्टेड रीजन. प्लान्स हैव बीन सेट इन मोशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 to 4 स्पेशलाइज्ड एंटी माओ सेंटर एट क्रिटिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस एट इंटरस्टेट बाउंड्रीज, व्हिच विल बी इक्विप्ड विद 5 हेलीकॉप्टर्स ईच एंड वुड बी मैन्ड बाय द सीआरपीएफ एंड द पायलट्स वुड बी कॉल्ड फ्रॉम द आर्मी बीएसएफ एयरफोर्स. अब 5 सेंटर्स जो है यहाँ बना दिए गए हैं इंटर स्टेट बाउंड्री पर, जिसको जो है एंटी माओस सेंटर बोला जा रहा है, और ये जो सेंटर्स है यहाँ से स्पेसिफिकली डायरेक्ट जो है कमांड को ही कनेक्शन कनेक्ट कर दिया गया है, ताकि जब भी इंसर्जेंसी हो या फिर जब भी अगर ऐसा मिलिट्री अटैक्स हो तो उस समय आर्मी पूरी तरह से तैयार रहे. जो सीआरपीएफ आर्मी है, अमरेली सॉरी डी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, वो जब भी ऐसी कोई कोई भी जरूरत पड़े तो वो हमेशा तैयार रहे, ताकि वो जो है तुरंत इन्फिल्ट्रेट करके ऐसे सारे एक्टिविटीज को रोक पाए. ठीक है, इसकी वजह से एंटी माओ सेंटर्स को जो है डेवलप किया गया है. स्टेट्स हैव ऑल्सो एस्टैब्लिश देयर ओन स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, लाइक आंध्र प्रदेश हैज फॉर्म्ड ग्रेहाउंड्स व्हिच आर सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पुलिस फोर्स टू कॉम्बैट द नक्सल प्रॉब्लम. गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश हैव ऑल्सो रेज्ड अ बटालियन ऑफ प्रोविजनल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी 40 कंसिस्टिंग ऑफ द लोकल यूथ. इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड द कोबरा विच इज अ स्पेशल फोर्स फॉर्म टू डील विद नक्सलिज्म इन एनी स्टेट. तो अलग अलग स्टेट्स ने अपने अलग अलग जो है कमांडो बना रखे हैं. इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोबरा पोस्ट बना रखा है, और ये ज्यादातर जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में जो है, बस्तर वाला जो रीजन है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, वहां पर जो है एक्ट करता है. बाकी जो रीजनल स्टेट्स है उन्होंने भी अपने ही पुलिस फोर्स से छोटी छोटी ग्रुपिंग्स बना दी है, और उसको स्पेशली नक्सल एक्टिविटीज एरिया वाले क्षेत्र में ही जो है लागू करते हैं. ठीक है, नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, व्हाट ऑल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन अप सो दैट जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग हैं जो कि नक्सलाइट से जुड़े हुए हैं, नक्सलाइट मूवमेंट से, उनमें जो अनवांटेड लोग हैं जिनको जरूरत, जो चाहते भी नहीं है नक्सलाइट्स में जुड़ने के लिए लेकिन उनके पास कोई और काम नहीं है तो वो जबरदस्ती उनको जुड़ा दिया जाता है, तो उन सारे लोगों के लिए भी स्पेसिफिक प्रोग्राम गवर्नमेंट जो है इनिशिएट करती है, ताकि वो सरेंडर करके मेन फ्रेम में आ जाए. तो द गवर्नमेंट स्टार्टेड द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इनिशिएटिव इन 2003-04. बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड अंडर विच 55 ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज इन 9 स्टेट्स वर टू बी प्रोवाइडेड विद फंड्स टू द ट्यून ऑफ 2474 करोड़ टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बहुत सारे ग्रांट फंड बना रही है, और इस ग्रांट फंड से जो लोकल लोग हैं जो कि नक्सलाइट्स में एक बार ज्वाइन हो चुके थे उनको अलग करके और उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम रन करके उनको जो है नेसेसिटीज प्रोवाइड करती है, ताकि उनको ऐसा एहसास हो पाए कि स्टेट इज केयरिंग कंसिडरिंग फॉर देम. ठीक है, there are various laws that has already also been enacted for the naxal affected areas, and the one is rehabilitation and resettlement policy, another is forest right act 2006. forest right act ke through specific kind of forest ko bilkul bhi alag kar diya gaya hai, jisme keval central authority ka hi control hota hai aur state ka koi control nahi hota. ठीक है, तो इस प्रकार के रीजन में जब बिल्कुल भी अलग कर दिया जाता है तो इसमें किसी भी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता और सेंट्रल अथॉरिटी इसके पूरे कंट्रोल में होती है, और जब भी कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है देन सेंट्रल अथॉरिटी अकॉर्डिंगली टैकल से.
ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ओवरऑल नक्सल अफेक्टेड एरियाज के लिए बनाई गई हैं, ताकि जो है जो लोकल लोग हैं उनको भी हेल्प किया जा सके, जो आर्म्ड मैन हैं उनको जो है मिलिट्री किसी प्रकार से टैकल कर सके, और जो स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नेंस है, जो भी पॉलिसीज है, वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके. तो इसके लिए ओवरऑल इनिशिएटिव जो है रन किए जा रहे हैं. ठीक है, नाउ विल बी कंक्लूडिंग आवर आंसर दैट द गवर्नमेंट हैज टू इंस्टिल फेथ इन द पीपल दैट दे विल बी गवर्न इन अ बेटर मैनर Then by the Naxals, the government should include laws in the Forest Act that only forest-dwelling tribes and scheduled castes should be allowed to use the produce of the forest. अब ये जो लास्ट में यहाँ पर सजेशन दिया गया है वो है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो स्पेसिफिक लॉ बना देने चाहिए कि वही जो है फॉरेस्ट के कुछ जरूरी चीजें वही केवल ले सकते हैं, ऐसा अभी लॉ नहीं बनाया गया है. लेकिन जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और नक्सलाइट्स जहां पे रूल करते हैं उनको जो है काफी कम कर दिया गया है, और गवर्नमेंट ये बता पा रही है कि स्टेट जो है वो सारे लोगों के लिए काम कर रही है, और गवर्नेंस इज गोइंग टू इन्फिल्ट्रेट इन ऑल दीज एरियाज वेयर नक्सलाइट्स आर रूलिंग, और ये भी बता रहे हैं कि उनसे जो है काफी अच्छा रूल कर पाएंगे. ठीक है, दिस इज द ओवरऑल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड आई विल बी वाइंडिंग दिस वीडियो अप. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई हैव बीन सेइंग टू यू दैट वी आर गिविंग यू टू क्वेश्चन, और वो दो क्वेश्चन के आप आंसर लिख के और उनके पिक्स लेके हमारे जीमेल अकाउंट पे सेंड कीजिए. उस आंसर को हम जो है चेक करेंगे, और उस पे जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बेसिस पर, या फिर जो भी आपने डायग्राम्स यूज किए उसके बेसिस पर, या फिर जो कोटेशन आपने यूज किए हैं, या फिर कोई थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको आपने अलग से प्रेजेंट किया है, उसके बेसिस पे हम आपको मार्क्स देंगे. और अगर आपका आंसर सही नहीं है तो उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि कैसे आप उसको सही कर सकते हैं और कहाँ पे क्या चीजें ऐड कर सकते हैं. तो ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर्स. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग.